दत्वा मरुतः कृष्णमातरः सुभञ्जावानो विदधे पुरभिरन्तरिक्षमधिजन्माता सविता। हमारे इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां ईमानदार जनता के लिए जीने मरने वाले शासकों के खिलाफ षड्यंत्र हुए हैं। वही सेम स्थिति इस समय 2019 में भारत में दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जैसे एक ईमानदार, सबको साथ लेने वाला, सबको लेकर के चलने वाला, ऐसे नरेंद्र मोदी जी जिनके लिए न जाति की दीवारें हैं न धर्म की दीवारें हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रहे हैं, और उनको उनके खिलाफ कितने बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। तो ये सब के खिलाफ हम तो बीजेपी लड़ेगी ही, लेकिन इस देश की जनता जब खड़ी हो गई है तो हमें पूरा विश्वास है कि जो रिजल्ट होगा आज उस षड्यंत्रकारियों के समापन के लिए होगा। मेरा मानना है कि 350 प्लस जाएंगे, 350 प्लस जाएंगे, क्योंकि देश 2014 में आशा का देश था, आस का देश था, तब हम 333 गए, अब तो विश्वास का देश है, अब तो 350 के पार।